दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा विजय दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान संगोष्ठी में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसी भी देश की युवा पीढ़ी का अपने देश के प्रति यह महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वह अपने देश व समाज के अतीत व गौरव की गहन समीक्षा करते हुए उसे प्राप्त होने वाले सबक से अपने भविष्य का निर्माण करे। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ साथ नौजवानों के लिए भी गर्व का विषय है। हमें अतीत के साथ साथ अपने वर्तमान दौर की चुनौतियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व विभागाध्यक्ष एवं महंत अवैधनाथ महाविद्यालय चौक बाजार महाराजगंज के प्राचार्य डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने कहा कि 1971 में भारत की विजय एवं बांग्लादेश के निर्माण ने पूरी दुनिया की नजरों में भारतवर्ष की परिभाषा को बदल कर रख दिया है, जिससे पश्चिमी जगत भारत को सन्यासियों और सपेरों का देश कहा करते थे। ढाका छावनी में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन है, किंतु जहां भारत के लिए वह गर्व का विषय है, वहीं पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है। ऐसे अवसरों पर हमें अपने शहीदों को नमन करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी समीक्षा करते रहना चाहिए। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक विकास पाठक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर जागृति विश्वकर्मा, डॉक्टर दीपक साहनी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने कहा, वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, कुछ वहाँ के पुराने सैनिकों से मिलते हैं, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज लेते हैं। हम भगवान सिंह यहाँ से गए बांग्लादेश गया, ट्रांसपोर्टर था वो, तो मेरे साथ चट्टग्राम पर आने वाला था, तो वो हम लोगों के साथ कलकत्ता से ही वो गया, वो भी आया था भारत घूमने, और कलकत्ता से हम लोगों के साथ गया ढाका में हम लोग उतरे, वो फिर अपने गाँव गया चट्टग्राम अंदरगाह जो पोर्ट है, लेकिन उसने हमारे टूरिस्ट गाइड का काम किया। वो पूरा बांग्लादेश हमसे कहा कि जब भी आप जाइएगा जहाँ किस होटल में रुकना है, क्या क्या देखना है, टैक्सी वाला कितने पैसे देगा, ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा है, होटल का वहाँ क्या रेंज है, कितने पैसे में मिलना चाहिए, वो सब हमें गाइड करता रहता था। जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते थे उसको फोन करते थे और वो हमको गाइड करता रहता था, और पूरा बांग्लादेश उन्होंने घूमा, और वहां के लोगों के अंदर बहुत कृतज्ञता का भाव है, और लोगों ने कहा था सारी दुनिया हमारे लिए पड़ोसी है, दो देशों के बीच इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वो सारे देशों से हैं, लेकिन भारत को हम लोग उस सूची में नहीं रखते हैं, भारत हमारा पड़ोसी नहीं, ये तो सगा बड़ा भाई, भारत ने अगर ये नहीं किया होता जो उसने किया, तो आज हमारा मुल्क आजाद नहीं होता साहब, हम लोगों की औकात नहीं थी पाकिस्तानी सेना की लड़ने, और बच्चों इतना हृदय विदारक दृश्य था जब हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी में गए, ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स से लड़कियों से जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, कुछ उन्होंने बताया था, वहाँ के टीचर्स ने बताया जो बच्चे थे, कहा साहब सबसे पहला अटैक तो नियाजी की सेनाओं ने ढाका यूनिवर्सिटी पर ही किया था, कारण का ये था दुनिया में दुनिया के देशों में नॉट ओनली इन इंडिया, केवल गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में नहीं, पूर्वांचल में नहीं, सारी दुनिया में जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसकी फ्रंट लाइन युवा पीढ़ी होती है, उसका हरावा दस्ता, उसका अग्रिम दस्ता नौजवान होते हैं, इसलिए किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए जब ब्रुटैलिटी का सहारा दिया जाता है, जब तानाशाही का सहारा दिया जाता है, जब ताकत का सहारा दिया जाता है, तो उसका सबसे पहला शिकार उस देश के नौजवान होते हैं। न्यायी की सेनाएं बांग्लादेश में गई तो चुनाव हुआ, मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई, पाकिस्तान के लोगों को था कि ये तो पूरी की पूरी सत्ता पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों में चली जाएगी, मुजीबुर रहमान के हाथों में चली जाएगी, भारत होता तो चाहे जो जीता, समाजवादी पार्टी जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, कम्युनिस्ट जीते, सपा जीते, बसपा जीते, जो चुनाव जीतेगा वो सत्ता में रहेगा। यहां कम से कम एक शुभ लक्षण है इस देश का कि चुनाव जीतने के बाद हारने वाली पार्टी नहीं कहती कि अब हम गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे, अब हम तोप राइफल से हम मारकाट उतर जाएंगे और हम सत्ता मनमोहन सिंह के हाथों से मोदी के हाथों में नहीं, ऐसा नहीं, वहां पर यही चीज थी, उनको लगा कि हम सत्ता देंगे नहीं, और जो चुनाव जीता गया प्रधानमंत्री जिसको होना था उसको कैद खाने में जेल में डाल दिया, और इसके बाद बढ़ाव शुरू हो गई, जब बढ़ाव शुरू हो गई बांग्लादेश में तो उसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दिया, और सेना के वहां कमांडर थे ईस्टर्न थिएटर में जनरल न्याजी, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, और कितना
गजब का दृश्य था सरेंडर का, कि जिस समय जनरल नियाजी के नेतृत्व में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, उनको सरेंडर करवाने वाला जो भारतीय सेना का पूर्वी थिएटर में कमांडर इन चीफ था वो थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सरदार। और मजेदार बात, इत्तेफाक देखिए कि स्वाधीनता के पूर्व, देश के बंटवारे के पूर्व, यही लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी दोनों एक ही बैच में सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में देहरादून मिलिट्री अकेडमी में एक ही बैच के पास आउट थे, एक ही बैच में दोनों लोग ट्रेनिंग लिए थे। बंटवारे के बाद नियाजी पाकिस्तान चले गए और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना में उस समय लेफ्टिनेंट जनरल, तो दोनों एक ही बैचमेट थे, दोनों क्लास फेलो थे और दोनों के उस समय के स्तर में जमीन और आसमान की दूरी थी। एक दुनिया के इतिहास में बहादुरी का इतिहास लिख रहा था, दुनिया के सैन्य मोर्चे पर बहादुरी का इतिहास लिख रहा था कि 93,000 सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर किसी ने सरेंडर कराया तो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पूर्वी थिएटर में, बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में सरेंडर कराया था। और अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी का भी वो काला इतिहास लिखा जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेनिनग्राद में जब रूसी सेनाओं ने जर्मन सेनाओं को कैप्चर किया था, उसके बाद दुनिया के सैनिक पटल पर सबसे बड़ा सरेंडर अगर हुआ था तो पाकिस्तान के जनरल नियाजी के नेतृत्व में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। दोनों के कद में, दोनों के स्तर में जमीन आसमान का अंतर हो गया था उस दिन जब दोनों एक ही क्लास में एक साथ पढ़े थे देहरादून मिलिट्री अकेडमी। राष्ट्र के प्रति आप जागरूक रहिए, क्योंकि जिस देश की युवा आबादी को अपने देश के इतिहास, अपने देश की संस्कृति का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो देश इतनी बड़ी आबादी लेकर भी हमेशा पिछड़ा हुआ देश भी बना रहेगा। आज आप लोग सुनते होंगे कि भारत युवाओं का देश है, आज विश्व में भारत के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है। आप लोगों का मैं आह्वान करती हूँ कि अपने राष्ट्र के प्रति आप जागरूक हो, अपने राष्ट्र के इतिहास के प्रति जागरूक हो, साहित्य को समझें, संस्कृति को समझें, तभी भारत विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका में होगा। बहुत ज्यादा ना बोलकर, क्योंकि इस कार्यक्रम की सीमा है, समय की भी सीमा है, मैं आप सब लोगों से पुनः पुनः ये आह्वान करती हूँ कि जागरूक नागरिक होने के नाते आप देश के इतिहास को, साहित्य को और संस्कृति को जानिए, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना चाहिए। जिस दिन आप जाग जाएंगे उस दिन नए और युवा भारत का निर्माण अपने आप हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मैं कार्यक्रम के संचालक महोदय को, पूरे विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगी, सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस इम्पोर्टेंट इवेंट पर आपने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके एक बहुत नेक काम किया, जो हर उच्च शिक्षण संस्थानों में, हर संस्थानों में आज के दिन आयोजित किया जाना चाहिए। अपने मुख्य वक्ता महोदय को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि अनेक ऐसे बहुमूल्य और महत्वपूर्ण तथ्यों से आपने हमें अवगत कराया जिसके बारे में हम अभी तक अनभिज्ञ थे। हमारे छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा हुआ होगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्तर, बंगाल, हिमाचल, यमुना, गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, का यह कार्यक्रम बांग्लादेश 1971 में 16 दिसंबर को जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर के बांग्लादेश का निर्माण किया था, उस विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। आज वही कार्यक्रम हम लोग यहाँ मनाए हैं।
माध्यम से बच्चों को क्या संदेश दिया गया? आज का यह कार्यक्रम दो उद्देश्यों को लेकर के संपन्न किया गया है। एक तो एक बहुत बड़ी कहावत है, जो अपने इतिहास और अतीत को भूल जाता है इतिहास में उसके लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। इस देश की युवा पीढ़ी, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अपने अतीत को जानें, अपने देश के इतिहास को जानें, अपने देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों की बहादुरी के कारनामों को जानें, उनकी वीरता को जानें, उनके त्याग और बलिदान को जानें। एक तो उद्देश्य यह है कि अपने अतीत, अपने इतिहास, अपने बलिदान, अपनी कुर्बानियों को जानें, और दूसरे अपने सैनिकों के अतीत, अपने सैनिकों को त्याग और बलिदान के द्वारा वे क्या सीख रहे हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं नागरिक क्षेत्रों में, एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक युवा के रूप में, देश के आंतरिक मोर्चे पर उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। वे ठीक से पढ़ें, अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, तभी यह राष्ट्र मजबूत होगा। हम सबको अपने अपने हिस्से का राष्ट्र निर्माण करना होगा, तभी मातृशक्ति, भारतीय शक्ति और हम सब मजबूत होंगे। यह आज के इस दिवस का उद्देश्य था।